ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् बन्द उदयसत्ता सहित कर्मथान करिनश नेमि चंद जयवंत जगी भये केवली स्पर्श कर्म कांड को जानिके ज्ञान कांड मय होय परस्वरूप को परिहरे शिव पद पावे सोय। जिनेन्द्र भगवान की वाणी के अनुसार नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमरसार ग्रंथों की रचना की है, उसमें से जो कर्मकांड है और उसकी जो टीकाएं है उसके आधार से हम कर्म का स्वरूप देखने जा रहे हैं। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है। जैसे बंध में चार बातें लगती है, कौन सी? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। वैसे बंधने के बाद सत्ता में पड़ी रहती है तो उसमें भी कौन सी प्रकृतियां है, कितने नंबर ऑफ परमाणु है टोटल सत्ता में, जिसको डेढ़ गुना नहीं गुणित वगैरह वगैरह उसका नाप आता है, उसमें कैसा कैसे स्थिति पड़ी है, कितना अनुभाग है, उसकी भी चर्चा होती है। वैसे ही उदय रूप जो प्रकृतियाँ हैं तो उदय में यानी प्रकृति उदय, प्रदेश उदय, स्थिति उदय जो एक निषेक का होगा और अनुभाग का उदय, उसमें भी इतने वेरिएशंस हो गए। हम सबकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, प्रकृति के ही बंध के बारे में, प्रकृति की सत्ता, प्रकृतियों का उदय, इसकी अपनी चर्चा चल रही है। अभी तो हम सामान्य से सभी अनंत जीवों की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, नाना जीव जिसको कहेंगे, तो नाना जीवों की अपेक्षा से हमने बंधने वाली प्रकृतियों की बात गुणस्थानों में भी देखी। फिर उदय रूप जो प्रकृतियां है वो अलग अलग गुणस्थानों में कितनी होती है, कहाँ किसकी विच्छित्ति यानी उदय रुक जाता है, उसकी भी बात देखी। अभी अपनी बात कौन सी चल रही है, सत्व यानी सत्ता की। तो टोटल प्रकृतियां कितनी है जो हम उत्तर प्रकृतियों की बात कर रहे हैं, तो कहते 148, और अगर उसको हम अभेद रूप कहेंगे तो 122। तो हम 148 का यहाँ हिसाब चलेगा अपना, तो सामान्य से कितने की सत्ता रहती तो 148, पर हम उसको गुणस्थानों में देखेंगे। पहले गुणस्थान में कितने प्रकृतियां हो सकती है, हम सभी जीवों की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं। तो पहले गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति बनती है क्या? नहीं बनती। बनती है पहले गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति बनती है क्या? नहीं। आहारक द्विक बनती है? नहीं बनती है। उदय रूप है? नहीं है। सत्व रूप है? है। तो सत्व कैसे हो सकता है? हाँ, ऊपर बांधी और वो जीव नीचे आया पहले गुणस्थान में। तो ऐसा कौन सा जीव है तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला जो मिथ्यात्व में आता है? हाँ, जिसने दूसरे या तीसरे नरक की आयु बांधी हो, सोक्षम समय दृष्टि है, और फिर वो तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है, नरकायु बांध दी है उसने, तो अभी वो शायक तो किया नहीं है उसके, तो सम्यक तो के साथ नरक में नहीं जा सकता, यानी तीर्थंकर प्रकृति बांधते हुए नरक में नहीं जा सकता। तो उसका क्या होता है, मनुष्य जो है जिसने नरकायु बांधी है, कौन से दूसरे तीसरे नरक की आयु बांधी है, और जो तीर्थंकर प्रकृति अभी बांध रहा है,
तो मरण के एक अंतर्मूर्त छोटा अंतर्मूर्त पहले वो मिथ्यात्व में चला जाएगा और मिथ्यात्व के साथ नरक में जन्म लेगा, दूसरे या तीसरे नरक में। तो उसके मिथ्यात्व में रहते हुए तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है, क्योंकि उसने बांधी है ना, तो उसके सत्ता में है। और वहां जाकर अंतर्मूर्त में फिर बांधना शुरू करेगा, फिर कभी वो मिथ्यात्व में नहीं आएगा। और अन्य भी कोई दूसरा जीव मिथ्यात्व में नहीं आता, तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला अन्य दूसरा कोई भी जीव मिथ्यात्व में नहीं आता, यही नरकायु बांधने वाला आ सकता है। शायक होगा तो वो भी मिथ्यात्व में नहीं आए जाए, जैसे श्रेणिक राजा, क्या वे मिथ्यात्व में आए थे? अरे शायक किया है तो मिथ्यात्व में आने का सवाल ही नहीं है, ये बात ख्याल में आती है। ऐसे ही आहारक द्विक की सत्ता कब होगी? जब जिसने बांधी उसकी सत्ता में है। ऐसे जो मुनिराज है जिन्होंने आहारक द्विक बांधी है, अभी यहां तो हम द्विक द्विक कह रहे हैं, एक्चुअली जब 148 का हिसाब होता है तो वहां चार कहने पड़ेगी, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, आहारक बंधन और आहार संघात। फिर भी रूढ़ी से उसको द्विक में गिनकर यह हमने दो ही प्रकृति उसकी गिनी है, ये पद्धति पड़ी है। 148 में से हम 146 कहेंगे आहार द्विक नहीं होगा, हम उसको चार को कम नहीं करेंगे, ख्याल में आती है ना बात। तो ये रूढ़ी से ऐसी पद्धति है और कर्णानियोग के ग्रंथ में भी ऐसा कहा है, पर हम उसको चार गिनकर कम करेंगे तो भी सही है। तो ऐसा जीव जिस मुनि ने आहारक द्विग बांधी है, अब वो मिथ्यात्व में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? आ सकते। तो मिथ्यात्व में आने पर क्या वो आहारक द्विग की सत्ता नष्ट होती है इमीडिएटली? असंख्यात वर्षों के बाद वो उद्वेलना होकर नष्ट हो सकती है, परंतु तब तक उनकी सत्ता में रहेगा। तो किसी जीव की सत्ता में आहारक द्विक है, किसी जीव की सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति है, तो पहले गुणस्थान के जो टोटल जीव है, पहले गुणस्थान वाले, उनमें सत्व कितने का होगा? सभी है ना, 148। ये समझ में आई बात? पहले गुणस्थान में 148 का सत्व क्यों कहा, अनेक जीवों की अपेक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा? एक प्रश्न इस पर ही आया था, अभी हमने आहार द्विक की उद्वेलना की बात की थी, तो कहते प्रथमोपशम सम्यक्त्व वाले जीव ने तीर्थंकर प्रकृति बांधी, फिर मिथ्यात्व में आ गया, क्या कहते उसने क्या लिखा है? कुछ समय के बाद तीर्थंकर प्रकृति की उद्वेलना हो जाएगी क्या? तीर्थंकर प्रकृति की कभी भी उद्वेलना नहीं होती। एक बार तीर्थंकर प्रकृति बांधना शुरू किया तो बस ये अंतर्मूर्त तक कोई मिथ्यात्व में आ सकता है जो नरकायु बांधने वाला है, अन्यथा मिथ्यात्व में रहेगा भी नहीं। और उद्वेलना होने वाली प्रकृतियां सुनिश्चित है, सभी प्रकृतियों की उद्वेलना नहीं होती। उद्वेलना होने वाली प्रकृतियां कौन कौन सी है मालूम है किसी को? हाँ, पहले तो आहारक द्विक, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, फिर सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, और देवगति देवगत्यानुपूर्वी, फिर नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी, वैकरिक शरीर वैकरिक अंगोपांग, मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी और मनुष्यायु। इतनी ही प्रकृतियों, उच्च गोत्र होता है ना, हाँ, इतनी ही प्रकृतियों की उद्वेलना हो सकती है, अन्य किसी भी प्रकृति की उद्वेलना नहीं होती। क्यों? ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। हमारे क्यों प्रश्न का वहां उत्तर नहीं है, वस्तु स्थिति आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसे आचार्य कहते बारंबार। कोई प्रश्न है फिर से? अरे एक जन बताए, हाँ, उद्वेलना वाली प्रकृतियों के नाम चाहिए फिर से। सबसे पहले उद्वेलना होने वाली प्रकृति आहारक द्विक, यानी जो कोई मिथ्यात्व में आता है, अब उसके आहारक द्विक है, बांधी है,
यानी उसकी सत्ता में सम्यक मिथ्या तो भी है कि नहीं है, सम्यक प्रकृति है कि नहीं है, उसकी भी उद्वेलना शुरू हुई, आहार द्विक की भी उद्वेलना शुरू हुई। तो पहले उद्वेलना कंप्लीट किसकी होगी? आहारक शरीर अंगोपांग। तो ये दो प्रकृतियां लिखी अपने, फिर सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, उसमें भी सम्यक प्रकृति पहले नष्ट होगी, बाद में सम्यक मिथ्यात्व। तो मेरा ऐसा प्रश्न है, उद्वेलना होती है ना, वो किसी प्रकृति में टर्न होती है, तो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, तो सम्यक प्रकृति किस में टर्न होगी? हाँ, सम्यक मिथ्यात्व में, वो बनने वाली प्रकृति है, संक्रमण के लिए नियम होता है, उसी में संक्रमित होती है जिसका उदय, जिसका बंद चल रहा है, फिर से जिसका बंद होता है उसी में संक्रमित होती है। तो मिथ्यात्व में मिथ्यात्व का बंद होता है, तो सम्यक प्रकृति भी डायरेक्ट मिथ्यात्व में जाएगी और सम्यक मिथ्यात्व भी मिथ्यात्व में जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले सम्यक प्रकृति का सम्यक मिथ्यात्व होगा और फिर उसका मिथ्यात्व होगा, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहली नष्ट होने वाली प्रकृति है सम्यक प्रकृति, उद्वेलना होकर नष्ट होती है और उसके कुछ काल बाद सम्यक मिथ्यात्व नष्ट होगा। तो कितनी प्रकृतियां लिखी अभी तक? चार। फिर हमने देखा कि ये देवगति है, बांधने वाले जीव कौन से है? संगी पंचेंद्रिय। अब वो संगी पंचेंद्रिय जीव एक इंद्रिय से लेकर चतुरिंद्रिय तक के जीवों में उन्होंने जन्म लिया। देवगति तो सभी संगी पंचेंद्रियों में बंदी पड़ी है। हमने क्या देखा था? सभी की सत्ता में देवगति भी पड़ी है, गति की बात है आयु की नहीं, नरक गति भी है। तो ऐसा जो एक इंद्रिय आदि में जाएगा तो उसकी सत्ता में देवगति के परमाणु है कि नहीं है? नरक गति के है, परंतु असंख्यात वर्षों तक वहां रहा तो क्या होता है? देवगति के और गत्यानुपूरी उसकी उद्वेलना पहले चालू हो जाती है, तो वो किसमें संक्रमित होगी? अब वहां तिर्यंच गति, मनुष्य गति, जो कुछ बांधने वाले हैं उसमें वो संक्रमित होकर उद्वेलना होकर नष्ट हो जाएगी। ख्याल में आती बात? तो देवगति और देवगत्यानुपूरी, और किसकी होगी उद्वेलना? नरक गति और नरक गत्यानुपूरी। ये उद्वेलना करने वाले जीव कौन है? एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीनद्रिय, चतुर्द्रिय, क्योंकि वे जीव ना देवगति बांधते हैं ना नरक गति बांधते हैं और असंख्यात वर्षों में वहां रहते हैं। अभी उस काल में क्या होता है? उनकी उद्वेलना हो जाती। कितने हो गए अभी प्रकृति? अब ये दो गति गए तो वैकृत शरीर अंगोपांग भी उसके साथ चला जाएगा। पहले कौन सी दो गई? देवगति और नहीं, आहार द्विक हमने पहले देखे, फिर सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति, देवगति और देवगत्यानुपूर्वी, उसके बाद नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, वैकृत, वैकृत, ये चार की उद्वेलना एक साथ हो जाएगी। यहां तक समझे? अब ये तो सामान्य से एक इंद्रिय से चतुरिंद्रिय तक के जो इसको कर रहे हैं देवगति और नरक गति को, अब हम मनुष्य गति की भी उद्वेलना करने वाले जीव है, तो ऐसे एक इंद्रिय जीव मनुष्य गति का बंध करते हैं कि नहीं करते? हाँ, हर अंतर्मूर्त में कर रहे हैं, तो मनुष्य गति की उद्वेलना कैसी होगी? वो अगर गति बांध रहे हैं तो उसकी उद्वेलना कैसे पॉसिबल है? हाँ हाँ, अग्नि कायिक और वायु कायिक पर्याय में जो बादर हो, सूक्ष्म हो, पर्याप्त हो, पर्याप्त हो, क्या करते हैं वो? मनुष्य गति बांध नहीं सकते। और जो बंदी थी पूर्व भव में अग्निकायिक और वायुकायिक में आने पर उसकी उद्वेलना चालू होती, नहीं समझे? बांध कर आया है, अन्य पर्याय में बंदी थी, अन्य एकेंद्रिय में भी बंदी थी, अब पृथ्वी कायिक में भी है, मनुष्य गति की सत्ता है, वो मनुष्य गति बांध भी रहा है हर अंतर्मूर्त में, कभी तिर्यंच गति, कभी मनुष्य गति, निगोद भी हर अंतर्मुहूर्त में मनुष्य गति, तिर्यंच गति बांध रहा है, सभी एकेंद्रिय बांधते हैं, परंतु अग्निकायिक और वायुकायिक क्या है? वो मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, उच्च गोत्र का बंधन नहीं कर सकते। तो लंबे काल तक उसमें रहने वाले जीव क्या करते हैं? उसकी उद्वेलना करते हैं। उद्वेलना करने पर क्या होगा? उनकी, उसकी सत्ता नष्ट हो गई,
यानी अभी उनकी सत्ता में मनुष्य गति है ही नहीं। अब ऐसा जो पंचेंद्रिय में भी जन्म लेता है, मनुष्य गति नहीं तो पंचेंद्रिय तिरेंच में जन्म ले सकता है, तो जन्म के समय वहां पर उसकी सत्ता में मनुष्य गति नहीं है। फिर वो जीव बांधेगा अंतर्मूर्त में मनुष्य गति बांधेगा, फिर उसकी सत्ता शुरू हो जाएगी। पर जो अग्नि का एक वायु का एक है, ऐसे कोई जीव है, लंबे काल तक उसी पर्याय में उन्होंने जन्म मरण किया है, तो उनकी सत्ता में से मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूरी और उच्च गोत्र, ये तीनों ही प्रकृतियों की सत्ता पूर्ण नष्ट हो जाती है। क्योंकि अभी हम सत्व के स्थान देखने जा रहे हैं, उसमें ये उद्वेलना से कितना सत्व बन सकता है उसकी भी बात हम देखेंगे। पहले हम साधारण से हमने बिना उद्वेलना के जो सत्ता थी उसकी बात अभी हमने पहले उठाई है। तो पहले गुणस्थान में सत्व कितना देखा, 148 का। दूसरे गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले दूसरे में नहीं आ सकते, आहार अग्विका बंद करने वाले गिरकर दूसरे में नहीं आ सकते, तो वहां कितनी सत्ता होगी दूसरे गुणस्थान में, 145। ये हिसाब समझ में आ रहा है, 145। अब तीसरे गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला जीव तीसरे गुणस्थान में जा नहीं सकता, परंतु जिसने आहारक द्विग बांधी है ऐसा जीव गिरकर तीसरे में जा सकता है। तो तीर्थंकर की सत्ता नहीं है, आहारक की हो सकती है। तो वहां सत्व कितना बताया, 147। ये वो 147 कैसा हमने निकाला उसको आपको देखना है। तो 147 हमने देख ली, यानी तीर्थंकर के बिना 147। अब चौथे गुणस्थान में वो सभी है, क्योंकि उसने सम्यक तो प्राप्त किया, तो सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति भी है। आहार द्विग बांधकर नीचे चौथे में आए हैं तो उसकी भी सत्ता है, तीर्थंकर प्रकृति तो चौथे में बांधते ही है तो वहां पर उसकी भी सत्ता है। तो 148 का सत्व है। अब पांचवें गुणस्थान में हमको, क्योंकि एक प्रश्न भी है ये पंचम गुणस्थान में कैसे घटित करना है, तो देखो घटित इस तरह से करना है। पांच अभी हमको सत्ता देखनी है ना, बंध कितना किया है क्या है उसकी बात नहीं है। पांचवें गुणस्थान में कौन से जीव हो सकते हैं, कौन से गति के, मनुष्य गति वाले है और तिर्यंज गति वाले भी है। तो तिर्यंज गति वाले तो उनके तिर्यंच आयु की सत्ता है कि नहीं है, उनका तिर्यंच आयु का उदय चल रहा है ना, उनके लिए जो भुज्यमान भोगने वाली आयु वो तिर्यंच आयु है, तो उसका सत्व है। और अगर उन्होंने बांधी होगी तो देवायु का भी सत्व है। दूसरे पंचम गुणस्थानवर्ती कौन जीव हो सकते हैं, मनुष्य हो सकते हैं, तो मनुष्यायु का यानी भुज्यमान आयु का सत्व है, बंदी हो तो देवायु का भी सत्व है। यानी अनेक जीवों की अपेक्षा से तिर्यंच आयु भी है, मनुष्यायु भी है और देवायु भी, उसकी भी सत्ता है। किसकी सत्ता नहीं होगी, नरकायु की नहीं होगी, क्योंकि पांचवा गुणस्थान प्राप्त करने वाला नार की नहीं हो सकता, और जिसने नरकायु बांधी हो वो पांचवें गुणस्थान में आ नहीं सकता। हमने तो ये भी रूल देखा था, जिसने तिर्यंचायु बांधी है, मनुष्यायु बांधी है, वो पांचवें गुणस्थान प्राप्त नहीं कर सकता, बांधी की बात है। पर यहां भुज्यमान आयु तो है ना, इसलिए हमने सत्ता में से उसको बाध नहीं किया, मात्र नरकायु को बाध किया। समझ में आती है बात, जिसने नरकायु बांधी है बाद में सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, परंतु उसको पांचवा गुणस्थान नहीं होगा। तो पांचवा गुणस्थान वाला तिर्यंच भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, तो तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु की सत्ता है, क्योंकि वो आयु की उनका उदय तो चल ही रहा है, तो सत्ता उसकी है ही है। इसलिए पांचवें गुणस्थान में सत्व कितना बताया है, 147। कौन सी एक प्रकृति नहीं है, नरकायु की नहीं है। अब हम छठे सातवें गुणस्थान की बात करते हैं। छठा सातवां गुणस्थान कौन से गति वाले को है, मनुष्य गति वाले को है ना, मनुष्यायु की सत्ता है कि नहीं है, क्योंकि वो स्वयं मनुष्यायु वाले है और बंदी हो तो देवायु है। तो क्या छठे सातवें वाले की सत्ता में तिर्यंचायु होगी, नरकायु नहीं होगी,
बाकी की हो सकती है, तो वहां कितनी लिखी है 146। ये समझ में आती है बात है। अब ये सातवें गुणस्थान में भी वही है जो छठे और सातवें में, दोनों में 146 की सत्ता वाला जीव है। अब जो ऐसा जीव है कौन से सम्यक्त्व वाला है, जिसकी सत्ता में 146 है, ये कौन से सम्यक्त्व सहित है? औषमिक भी हो सकता है, क्षौषम सम्यक् दृष्टि भी हो सकता है, सत्ता की बात चल रही। क्षायिक सम्यक् दृष्टि वो 146 वाला होगा, क्योंकि जिसने क्षायिक किया है उसमें अनंतानुबंधी 4 और दर्शन होने की 3, इनका क्षय हो चुका है, सत्ता में वो नहीं रहेगी। तो जहां हमने चौथे गुणस्थान में 148 की सत्ता देखी है, अभी देखो जरा 4 देखो फिर से, हमने चौथे गुणस्थान में सत्ता कितनी देखी, 148, क्योंकि चारों ही गति वालों के वो तो होता है ना, चौथा गुणस्थान होता है, और चारों ही गति वालों को वो क्षायिक सम्यक तो भी हो सकता है ना, पाया जाता है। तीरियंचों के क्षायिक सम्यक तो पाया जाएगा चौथे गुणस्थान में, मनुष्य में से लेकर जाता है कि नहीं भोग भूमि में, जिसने पहले देखो भोग भूमि की आयु कौन सा जीव बांधता है पहले नक्की करो, कौन से समय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि? मिथ्या दृष्टि ही बांधेगा भोग भूमि की आयु, मिथ्या दृष्टि ही बांधता है, और वो भी मोनेश्वर तिरियंच ही बांधता है। तो वहां की आयु बांधी है, मिथ्यात्व था, और फिर वो सम्यक तो प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है, क्षायिक कर सकता है। तो पहले उसने वहां की आयु बांधी थी और फिर क्षायिक किया, तो क्षायिक के साथ वहां उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? तो होगा, ये बात हम देख रहे थे। तो हमने क्या देखा था कि चौथे गुणस्थान वाला बिना क्षायिक वाला, उसके 148 का सत्व है। अब चौथे गुणस्थान वाला क्षायिक समय दृष्टि है, तो सभी आयुओं की सत्ता है ना अलग अलग जीवों में, कोई भोग भूमि का तिरियंच है तो उसकी तिरियंच आयु तो चल ही रही है, भोग भूमि का मनुष्य हो या यहाँ का हो क्षायिक है तो उसकी मनुष्य आयु की सत्ता है, और कोई क्षायिक समय दृष्टि देव में भी है तो देवायु की भी सत्ता है। अब क्षायिक करके जो श्रेणी जैसे नरक में गए हैं उनके नरकायु की भी सत्ता है, तो इसमें हम आयु को बाद नहीं कर सकते। पर क्षायिक समय दृष्टि है तो उसके 7 प्रकृतियों का क्षय हो चुका है, तो चौथे गुणस्थानवर्ती क्षायिक समय दृष्टि उनकी सत्ता में कितने हो गए, 148 माइनस 7 141 का सत्व होगा। ये ख्याल में आई बातें नहीं समझे? चौथे गुणस्थान वाला क्षायिक समय दृष्टि है तो चारों ही गतियों में पाया जाएगा, तो चारों ही आयु की सत्ता है। सत्ता किसकी नहीं है? अनंतानंदी 4 और दर्शन होने की 3, तो टोटल 148 में से हमने 7 ही कम कर दिए, 141 की सत्ता होगी चौथे गुणस्थान वाले को। यहां तक समझ में? हम क्षायिक की बात कर रहे। अब क्षायिक सम्यक तो कौन कौन से, पांचवा गुणस्थान कहाँ कहाँ होगा? पांचवा गुणस्थान कौन से गतियों में पाया जाता है? मनुष्य और तिरियंचों में। तो मेरा प्रश्न है, तिरियंच क्षायिक समय दृष्टि पांचवें गुणस्थान में होगा क्या? क्यों नहीं होगा? पीछे से आवाज आई इसलिए बता दिया। क्षायिक समय दृष्टि मात्र, तिरियंच क्षायिक समय दृष्टि यहां से सम्यक तो लेकर उत्पन्न हुए है, भोग भूमि वाले है, भोग भूमि में चौथा ही गुणस्थान होता है, पांचवा नहीं होता। और यहाँ जो पांचवे वाले है वो या तो औपशमिक सम्यक दृष्टि होगे या शोभ सम्यक दृष्टि होगी। तो तिरियंचों में क्षायिक समय दृष्टि पांचवे गुणस्थान में कोई नहीं होगी, यानी पांचवे गुणस्थान में तिरियंच आयु का सत्व नहीं होगा क्षायिक सम्यक्त्व के लिए। ये बात, ये पॉइंट ख्याल में आता है नीलेश भाई? ये बात समझ में? हाँ। तो ये मनुष्य को होगा, ये क्षायिक समय दृष्टि है पांचवे गुणस्थान में है,
तो उसकी सत्ता में क्या क्या नहीं है। पहले में पहले ये तो 141 तो उसकी थी यहाँ पर, अब उसमें से यहाँ कौन सी, या 139 आपको तो उत्तर मिल गया, यानी दो प्रकृतियां नहीं है। कौन सी दो नहीं होगी? नरकायु और तिर्यंचायु नहीं होगी। पांचवे गुणस्थानवर्ती क्षायिक समय दृष्टि मनुष्य की बात हो रही है, क्योंकि पांचवा गुणस्थान क्षायिक वाला होगा, मात्र मनुष्य में ही होगा, तिर्यंचो में नहीं हो सकता। तिर्यंच क्षायिक वाला है वो चौथे तक ही होगा, चौथे में ही होगा, मात्र चौथा गुणस्थान, क्योंकि भोग भूमि में क्षायिक समय दृष्टि तिर्यंच होते। समझ में आती बात? ये नहीं समझे? अलका बेन को बहुत प्रश्न चिन्ह पड़ा है। बांधी हुई होगी ना, हमने वहां कहा माइनस की उसको, हमने मात्र इसमें दो ही माइनस कर दिए हैं। बंधी हुई देवायु होगी, मनुष्य है तो उसकी भुज्यमान मनुष्यायु है, और बद्धमान जो बांधी हुई देवायु हो सकती है, हमने उसको माइनस नहीं किया है। नरकायु नहीं हो सकती, तिर्यंचायु नहीं हो सकती, तो ये 139 छठे सातवें गुणस्थान में भी वही पोजीशन है, क्षायिक है। तो 148 में से हमने 107 माइनस करके 141 हुए थे। तिर्यंचायु नरकायु दो नहीं है, तो 139 का सत्व होगा। हाँ देखो, आपका प्रश्न है पांचवा गुणस्थान है तो वहां अप्रत्याख्यान वर्ण को माइनस करना चाहिए था कि नहीं था? ये था। हाँ, अभी आप बात सत्ता की कर रहे हैं, अप्रत्याख्यान वर्ण की सत्ता। देखो जब हम कहें ना अभाव है, अभाव है, क्योंकि द्रव्यान योग में हमें आदत पड़ी है पांचवे गुणस्थान वाले को अप्रत्याख्यान वर्ण का अभाव है। अरे उदय का अभाव है, जब तक क्षय नहीं होता तब तक उसका अभाव नहीं हो सकता। हमें अतुल जी ने प्रश्न पूछा था, अरे चौथा वाला अनंतानुबंधी का क्षय कर सकता है, तो पांचवा वाला अप्रत्याख्यान वर्ण का क्षय करता है कि नहीं करता? हमने बोला नहीं करता, वो जाके नौवे गुणस्थान में उसका क्षय करेगा। ख्याल में आती है ना, उसका उदय नहीं है। मुनिराज को भी प्रत्याख्यान वर्ण का उदय नहीं है, सत्ता में पड़े है। क्षायिक समय दृष्टि है तो उसने मात्र अनंतानुबंधी का क्षय कर दिया है। जब तक क्षपक श्रेणी चढ़कर नवे गुणस्थान में बीच वाले दो ने अप्रत्याख्यान वर्ण प्रत्याख्यान वर्ण का क्षय नहीं करता, तब तक उसकी सत्ता बनी रहती है। वो नीचे के गुणस्थानों में उनका क्षय का कोई कार्य नहीं होता। ख्याल में आई बात इतनी? तो फिर से यहां उन्होंने क्षय कर दिया, किसका? अनंतानुबंधी चार और दर्शन मौनीय तीन, इसलिए सात कम हुई थी। सत्व की विच्युति हम कहेंगे, 141 विच्युति वाली नहीं है, वो विच्युति हम यहाँ गिनेंगे अलग से। उधर होना चाहिए, पूछ रहा है। देखो ये अलग अलग जीवन की अपेक्षा बात कर, और यहाँ तो कोई हम गुणस्थान की बात नहीं, हम क्षायिक समय दृष्टि की विशेषता बता रहे थे। तो इन जनरल अगर हम गुणस्थान देखेंगे तो कोई क्षायिक भी है, कोई औक्षमिक समय दृष्टि भी है, और कोई क्षाउक्षमिक भी है। उसकी अवस्था, क्योंकि हम अनेक जीवों की बात कर रहे हैं, इसलिए जब तक सभी जीवों में वो विच्छित्ति नहीं होती तब तक हम उसको विच्छित्ति में नहीं गिनेंगे। ध्यान में आती बात इतनी? नहीं समझे? जब तक सभी जीवों में वो नहीं, यहां हम सत्व और असत्व की बात कर सकते हैं, विच्छित्ति की बात तो बाद में होगी। देखो ये प्रश्न भी एक है ना, यहां एक प्रश्न ऐसा है, सत्व की विच्छित्ति और असत्व में क्या अंतर है? जैसे हमने बंध की विच्छित्ति और अबंध में देखा था, जैसे पहले गुणस्थान में तीर्थंकर बंध की बात है, तीर्थंकर और आहार्गद्विक अबंध में रखी थी, और तीर्थंकर की सत्व बंध विच्छित्ति कब कही थी? बंध विच्छित्ति आठवें में। आहार्गद्विक की बंध विच्छित्ति आठवें में है,
परंतु बंध विच्छित्ति, उदय विच्छित्ति नहीं, उदय विच्छित्ति सत्य छठे में है। उसका बंध कहाँ तक है? सातवें आठवें में। तो बंध की विच्छित्ति कहाँ हुई? आठवें में। समझ में आती है बात? हाँ। परंतु यहाँ अभी हमने सत्व की विच्छित्ति की बात नहीं उठाई है, अभी तो हमने केवल वो सत्व कहाँ कितना है उसकी बात की थी। अब जहां जितना सत्व बताया है, देखो सत्व टोटल कितना गिनना है हमको, 148 का। तो असत्व किसको कहेंगे? यहाँ सत्व 148 का है, असत्व में कितनी रखेंगे? जीरो। दूसरे गुणस्थान में सत्व 145 का है, असत्व तीन, केवल दो दूसरे गुणस्थान के लिए असत्व तीन रखे, कौन सी? तीर्थंकर और आहारक भी। तीसरे गुणस्थान में सत्व कितना? 147 का, असत्व में एक, कौन सी? तीर्थंकर प्रकृति। यहाँ तो 148 है। पांचवें गुणस्थान में 147 बताइए, नरकायु असत्व में चली गई। छठे और सातवें गुणस्थान में दो असत्व में है, तिर्यंचायु और नरकायु दोनों असत्व में चली गई। ख्याल में आती बात? अब ये सत्व की विच्छित्ति की बात हम अलग से देखेंगे फिर, असत्व बात अलग है, उसकी सत्ता नहीं है। पर सत्ता की विच्छित्ति होती है, देखो ये दूसरे गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति को असत्व में रखा है, सत्ता की विच्छित्ति कहेंगे? तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता की विच्छित्ति कब होगी? चौदहवें के अंत में, चौदहवें तक है सत्ता, यानी विच्छित्ति बात अलग है, असत्व बात अलग है। अभी हमने विच्छित्ति गिनी नहीं है कहाँ कितने की होती है, अभी हम सत्व कहाँ कितने का हो सकता है उसकी हमने चर्चा की है, और वो संख्या कैसे आती है उसको हमने डिराइव करके आपको बताया है। तो हमने केवल वो उपशम श्रेणी तक ही बात देखी थी। उपशम श्रेणी चढ़ने वाला कौन सा जीव होता है? एक तो द्वितीय उपशम वाला भी हो सकता है, या क्षायिक समय दृष्टि भी हो सकता है। क्षायिक समय दृष्टि होगा तो क्षायिक समय दृष्टि ने यहाँ छठे सातवें में 139 की सत्ता की थी, उसके साथ वो उपशम श्रेणी चढ़ सकता है ना? परंतु द्वितीय उपशम चढ़ेगा तो द्वितीय उपशम वाला क्या होगा? द्वितीय उपशम किया है तो मिथ्या तो वगैरह उसकी सत्ता है, उसने उपशम किया है। परंतु अनंतानुबंधी के बारे में दो उपदेश हमें प्राप्त है। कोई जीव द्वितीयोपशम करने के पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है तो उसकी सत्ता में से अनंतानुबंधी नष्ट हो जाती, तो चार कम करने पड़ेंगे। ख्याल में आती है? तो उसमें हमने यहां देखा था सातवें गुणस्थान में 146 थी, उसी ने अनंतानुबंधी की विसंयोजना की तो 142 हो जाएगी, तो 142 के साथ वो श्रेणी चढ़ेगा, उपशम श्रेणी चढ़ेगा, तो उसमें तो कोई सत्ता नष्ट नहीं होने वाली, तो 11वें गुणस्थान तक उसकी सत्ता बनी रहेगी। परंतु दूसरा एक ऐसा मत है कि द्वितीय उपशम के साथ जाने वाला उसकी सत्ता में अनंतानुबंधी है, नहीं समझे? बिना विसंयोजना करके वो द्वितीय उपशम करके ऊपर चढ़ सकता है, तो हम वो चार को माइनस नहीं करेंगे, इतनी बात है। हाँ, वन वो दो की आयु, दो आयु की सत्ता नहीं है तो वो उपशम श्रेणी चढ़ेगा, उसकी सत्ता में बाकी प्रकृतियां है, ऐसा हम लगे। अब आगे बढ़ेंगे, अभी हमको क्षपक श्रेणी में देखना है। अब क्षपक श्रेणी में कैसे कैसे हमको समझना है उसको देखेंगे हम। तो सत्व की विच्छित्ति बताइए भी क्षपक श्रेणी में, क्योंकि क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला कौन सा जीव होता है? क्षायिक समय दृष्टि। तो उसकी सत्ता में कितनी प्रकृतियां होगी जो क्षपक श्रेणी चढ़ना चालू करता है? हम्म, 139 वाला इतना यहां था, परंतु यहां 138 लिया, क्यों? जिसने आयु बंधी है वो तो क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ेगा, नहीं समझे?
शायिक समय दृष्टि भी है और आयु बांधी है, उपशम श्रेणी चढ़ के उतर सकता है, शपक श्रेणी चढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि जिसकी वो मात्र उसकी जो वर्तमान मनुष्यायु की सत्ता है, देवायु बंदी हो तो क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि जो आयु बांधता है तो उसका वो नेक्स्ट भव भी नक्की है। वहां भी क्षपक श्रेणी चढ़ते चढ़ते देवायु का क्षय किया ऐसा कभी नहीं होगा। तो जो क्योंकि हम देखते हैं ना, जब हम वो अरिहंत की बात आती है ना, चौ कर्म सूत्रेसठ प्रकृति नाश, तो 63 प्रकृतियों का नाश किया। कौन से 63 गई? घाती सब गई 47 और नाम कर्म की 13 गई, कितनी हो गई? 60। और 3 कौन सी है? आयु बांधी ही नहीं थी, पर हम कहते 63 प्रकृतियों का नाश करके गए। अरे ये कथन आता है, पूजा में आता है ना, तो 3 का बंध ही नहीं किया था और बाकी तो उन्होंने उसका क्षय कर दिया। ख्याल में आई बात? अनंत अनुबंधी और दर्शन मुनि की मिलकर 7 उसका क्षय किया और 3 आयु बांधी नहीं, तो 10 कम करके क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले जीव को 138 की सत्ता है। 148 माइनस 10, कौन से 10 माइनस किए? शायिक है इसलिए 7 कम कर दिए, और 3 आयु का बंधक किया नहीं था इसलिए और 3 कम कर दिए। तो क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला जो क्षायिक समय दृष्टि है, देखो उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता है, पर वहां हमने उसको 139 देखी थी, क्यों? देवायु का बंध किया हो सकता है ना किसी जीव ने, इसलिए उसकी सत्ता का स्वीकार किया था। पर क्षपक श्रेणी चढ़ता है तो एक वर्तमान भुज्यमान आयु मनुष्य आयु है, बाकी 3 आयु का सत्व ही नहीं है क्योंकि बांधे ही नहीं है। अरे आयु बांधी होगी तो उसको देव में जाने पड़ेगा, नहीं समझा? ऐसा होता है ना, उपशम श्रेणी क्यों चढ़ी? अरे आयु बांधी है देवायु, पहले जिसने देवायु बांधी है ऐसा क्षायिक समय दृष्टि पुरुषार्थ होगा तो उपशम श्रेणी का होगा, क्षपक श्रेणी तो चढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला उस भव में मोक्ष जाने वाला है। अगर आयु बांधी है तो उसको देव में जाना पड़ेगा, उसका क्षपक श्रेणी चढ़ने का पुरुषार्थ होगा ही नहीं। तो जो 8वें गुणस्थान में आया है 148 के सत्व सहित है, सॉरी 138 के सत्व सहित है, बराबर। 8वें गुणस्थान में कितने प्रकृतियों का क्षय किया है? हाँ, 8वें में आने पर क्षय किया, वो तो हमने देखा क्षय कब किया था, 4थे में, 5वें में, 6ठे में या 7वें में। हम 8वें में कितनी प्रकृतियों का क्षय किया ऐसा पूछ रहे हैं। अरे यहाँ बिग 0 लिखा है ना, 8वें गुणस्थान में एक भी प्रकृति का क्षय नहीं होता, भले वो क्षपक श्रेणी कहलाती है, परंतु क्षपक यानी क्षय करने का जो प्रोसेस है वो जो उसके बिगिनिंग हो गई यहाँ पर, उस टाइप की विशुद्धि यहाँ हो गई है, परंतु क्षय किसी का नहीं हुआ है। अब वो 9वें गुणस्थान में आया है। अब ये 9 के नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 9 तक आंकड़े बताए, यानी 9वें गुणस्थान के हमने 9 भाग किए हैं। बंध की अपेक्षा हमने अलग बात की थी, बंध उदय की अपेक्षा हमने अलग बात की थी, अब यहां हम 9 भाग किए हैं। 9 भागों में अलग अलग प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। 9वें के पहले भाग में 16 प्रकृतियों का क्षय होता है, वो कौन सी हम बताएंगे आपको। तो यहाँ 16 प्रकृतियों का क्षय होकर यहाँ एंटर हुआ तो 138 थे, और क्षय होकर वो दूसरे भाग में गया तो 16 गई, 138 में से 16 गई तो 122 रही। 122 का सत्व है, और ये दूसरे भाग में उसने 8 कर्मों का क्षय किया, वो आपके अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान यहाँ गया 8, तो 122 में से 8 गई तो कितनी रही? 114। तीसरे भाग में आने पर 114 का सत्व था, अब उस यहां आने पर उसने एक प्रकृति का क्षय किया। कौन सा? नपुंसक वेद का क्षय किया।
तो उसका 114 में से 113 हो गए। समझ में आती बात। उसके बाद ये एक कौन सी गई और स्त्री वेद का क्षय किया। फिर उसके 112 का सत्व हुआ। पांचवे भाग में आने पर ये 6-9 कषाय हास्यरति शोकरति भय जुगुप्स, उसके साथ साथ पुरुष वेद का क्षय भी प्रारंभ हो जाता है। फिर से 7 का क्षय एक साथ शुरू हुआ था, परंतु यहां तो पुरुष वेद का उदय भी था तो और नया बंध भी हो रहा था, तो 6 का क्षय पहले पूरा हो जाता है और अभी नया नया जो बंधा है ना उसका क्षय होने के लिए थोड़ा और काल लगता है 2 अवली का, तो इसलिए वो पुरुष वेद का क्षय हम अलग बताएंगे। फिर संज्वलन क्रोध का क्षय हो जाता है, संज्वलन मान का क्षय हो जाता है, संज्वलन माया का क्षय हो जाता है, संज्वलन लोभ अभी बाकी है 10वें में उसका क्षय होगा। तो ये 10वें गुणस्थान में 1 लिखा है उसका अर्थ सूक्ष्म लोभ जो संज्वलन लोभ है उसका क्षय यहां हो गया। तो कितनी रहेगी सत्व, यहां आता है तो 102 का सत्व था और सूक्ष्म लोभ का भी क्षय हो गया, तो जब 10वें में से कहां जाएगा 11वें में जाएगा ना, एक क्षपक श्रेणी है तो 12वें में जाएगा, तो 12वें में अभी 12वें में वो प्रवेश हुआ तो 101 का सत्व था, यहां 16 का क्षय हो जाता है। हमने उदय की भी विच्छित्ति देखी थी, निद्रा प्रचला, फिर ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की और 4 और अंतराय की 5, तो 2 और 14 मिलकर 16 हो गई। उदय की भी विच्छित्ति होती है और क्षय होता है तो सत्व की भी विच्छित्ति होती है, तो ये 16 गई, तो 13वें में प्रवेश किया तो 85 का सत्व है, सत्ता की बात है। तो 13वें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का क्षय करता है, एक भी नहीं। अभी इतना अनंत पुरुषार्थी हो गए हैं, अब जो पुरुषार्थ कम था तो इतना सब क्षय करते करते आ गए। 13वें में कोई क्षय का कार्य नहीं होता है, हाँ वो उदय की विच्छित्ति वगैरह होती है, कितनी प्रकृतियां यहां उदय रूप थी तो 14वें में उदय रूप नहीं रही, वो तो हमने पढ़ ली थी, पर यहां सत्ता में से किसी भी प्रकृति का नाश नहीं हुआ, वो तो सत्ता में सारी पड़ी है। अब 14वें गुणस्थान के द्विचरम तक आए, द्विचरम ने अंत से दूसरा समय, अभी 2 समय बाकी है ना, तो जब 2 समय बाकी थे तब उसकी सत्ता तभी भी 85 की थी, अब यहां उसने 72 प्रकृतियों का क्षय कर दिया तो कितने बची, तो 14वें के अंतिम समय में 13 प्रकृतियों का सत्व है और अंतिम समय में उसका क्षय होगा, तो कर्म रहित जीव मोक्ष अवस्था प्राप्त करेगा। हाँ क्या क्या कौन से थे देखेंगे ना अभी हम, ये 72 कौन सा क्षय किया, क्या क्या वो सत्ता में पड़ी थी तब तक, जब तक क्षय नहीं करता तब तक सभी प्रकृतियां सत्ता में पड़ी रहती है। ये तो हमने क्षय की अपेक्षा देखा सत्व, हमने आपको उद्वेलना की भी बात की थी, उसकी भी अपेक्षा बात अलग होती है, तो अभी हम पुस्तक के आधार से देखेंगे थोड़ा। ये 782 पेज निकालना, 782। हमने तो अभी 16, 8 ऐसा ही देखा ना, तो उसके नाम भी देखेंगे। हाँ 782 हमने तो क्षायिक सम्यक्त्व होता है, तो 7 कौन सी जाती है तो मालूम है सबको, कौन सी साथ जाती है, पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है, फिर मिथ्यात्व का क्षय होता है, सम्यक मिथ्यात्व का क्षय होता है, सम्यक प्रकृति का क्षय होता है, ये 7 तो हमने देखी थी। जब क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला जीव 8वें गुणस्थान में प्रवेश करता है तो वो 7 और 3 आयु बंदी नहीं है, तो उसकी सत्ता में 138 प्रकृतियां है, इसके साथ वो 8वें गुणस्थान में प्रवेश किया
तो आठवें गुणस्थान में किसी भी प्रकृति का क्षय नहीं होगा। तो आठवें के बाद नौवे में प्रवेश किया, तो नौवे में प्रवेश किया तो पहले भाग में 16 प्रकृतियों का क्षय होगा। तो ये 16 प्रकृति कौन सी है जो नौवे के पहले भाग में क्षय होता है, उसके हमें उसके नाम देखने हैं। निकालो पेज नंबर 782, नीचे का पैराग्राफ। वे 16 आदि प्रकृतियां, क्योंकि हमने 16, 8, 1, 1, 6, 1 वगैरह वगैरह देखा था, ये कौन सी प्रकृतियां है उसकी यहां हम नाम देखेंगे। देखो ये 16 प्रकृतियां कहने में आती है, उसमें 13 प्रकृतियां नाम कर्म की है और 3 प्रकृतियां दर्शनावरण की है। तो दर्शनावरण की कौन सी 3 प्रकृतियों का पहले क्षय होगा? स्थान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला। उसके उदय की विच्युति कहाँ हुई थी, याद है किसी को? दूसरे में बंद की विच्युति हुई थी, छठे तक उदय था और वहां छठे में उदय की विच्युति हुई। और सत्ता की विच्युति कहाँ हुई? नौवे गुणस्थान में जाकर हुई, तब तक सत्ता में पड़ी थी। ख्याल में, अभी हम कंपेयर करेंगे एक साथ कुछ प्रकृतियों की बात। तो यहां देखते हैं, स्थान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, इनका क्षय यहां नौवे गुणस्थान में हो जाता है। उसके बाद देखो नरक गति, यानी वो अन्य 13 प्रकृतियां कौन सी है उसकी बात है। 3 कौन सी? ये निद्रा, 3 निद्रा, वो दर्शनावरण की है। बाकी जो 13 है वो कौन सी है? नाम कर्म की है। उसमें नरक गति की 2 है और बाकी जो 11 है ना, वो तिर्यंच गति के कहते, एकादश कहते हैं, 11 है वो तिर्यंच गति संबंधी है। तो 2 कौन सी है? नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी। अब तिर्यंच गति संबंधी कौन सी है? तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी। फिर विकलत्रिक यानी द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, ये जाते कहेंगे। स्थान वृद्धि त्रिक तो बता दिए हमने। अब उद्योत आतप, अब एकेंद्रिय, साधारण, सूक्ष्म और स्थावर। यहां अपर्याप्त नाम कर्म नहीं लिया है, सूक्ष्म साधारण लिया है। फिर से 16 कौन सी? पहले तो हमने स्थान वृद्धि वगैरह 3 देखी, नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी 2 हो गई, 3, 2, 5 हो गए। अब हमको 11 देखनी है, तो 11 वो एकेंद्रिय वगैरह वगैरह उसको लेना है। तो पहले में पहले तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, और फिर हाँ द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय। एकेंद्रिय को भी लेना, पर एकेंद्रिय के साथ वो हम स्थावर वगैरह को भी लेना, इसलिए उसको अलग से बताएंगे। तो तिर्यंच की कितनी हुई? तिर्यंच गति गत्यानुपूर्वी, फिर द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, फिर उसके बाद उद्योत आतप और उद्योत, ये हो गई 2, कितने हुए? 7 हो गए। अब एकेंद्रिय संबंधी, एकेंद्रिय है, स्थावर है, साधारण है, सूक्ष्म है, आ गए ना सब। यानी तिर्यंच संबंधी 11, नरक संबंधी 2, ये 13 तो तिर्यंच गति सॉरी नाम कर्म की हुई, और दर्शनावरण की 3। ये 16 प्रकृतियों का क्षय नवे गुणस्थान के पहले भाग में होता है, तो यहां उसके सत्ता की विच्छित्ति कहेंगे। ख्याल में आती बात? नहीं, कुछ प्रश्न है इसके बारे में? बहुत हेवी हो रहा है। हाँ, क्या कहते? हाँ, आपका प्रश्न है क्षय कैसे होगा फल दिए बिना। फल कब मिलता है? उदय में आता है। इसमें से कौन सी प्रकृति उदय रूप है? यहाँ पर नरक गति का उदय तो 4th में मिट गया था, तिर्यंच गति का उदय 5th तक था, बाद में मिट गया था, है ना। ये सब कोई उदय में आने वाली प्रकृतियां नहीं है, तो सत्ता में पड़े पड़े कैसे दब जाती है? जब उदय रूप निषेक तक पहुंचती है तो वह मनुष्य गति का उदय है, उस रूप होकर नष्ट हो चली जाती है। फल तो मिलने वाला है ही नहीं इन सबका, परंतु सत्ता में है कि नहीं है? देखो ऐसा आता है, ये सारी प्रकृतियां नवे गुणस्थान तक है,
किसी किसी को होगी किसी को नहीं होगी, ऐसा है क्या? अभी तीर्थंकर का जीव है, वो नवे गुण स्थान में आया है, उसको ये प्रकृतियां सत्ता में होगी कि नहीं होगी? आप और सुनना है कुछ सूक्ष्म पॉइंट। अभी कोई ऐसा जीव है कि एकेंद्रीय के बाद त्रस में आया, और त्रस की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 2000 सागर कहो, साधिक कहो, पर्याप्त पर्याप्त मिलकर हम 2000 सागर कहते हैं। तो 2000 सागर वर्ष तक जो त्रस में रहा है, बराबर, तो एकेंद्रीय में से आया, तो एकेंद्रीय में से आया तो उसकी स्थिति कितनी थी कर्मों की? मैक्सिमम मिथ्यात्व की, एक सागर। तो एक सागर वर्ष में तो 2000 सागर कहां और एक सागर कहां, तो एक सागर वर्ष में तो उसकी एकेंद्रीय में बंधी हुई प्रकृतियां सब नष्ट होनी चाहिए थी। तो यहां 2000 सागर बीत गए और नवे गुण स्थान में आया है, अभी वो मोक्ष जाने वाला है उसके अंतिम भव में, फिर भी उसकी सत्ता में एकेंद्रियों के असंख्यात भवों में बांधे हुए सारे कर्म पड़े हैं, क्योंकि उसका उत्कर्षण होता है होता है, क्योंकि वहां भले सागर की स्थिति लेके आया है परंतु यहां मिथ्यात्व में आया, सॉरी त्रसों में आने के बाद जब पंचेंद्रिय बना तो मैक्सिमम स्थिति का भी बंद हो सकता है, और उसके बंद के समय से लेकर जितनी उसकी शक्ति स्थिति बाकी है वहां तक उसका उत्कर्षण हो सकता है और होता भी होता है। तो नियम से एकेंद्रियों के असंख्यात भवों में बंधे हुए कर्म यहां तक पड़े हुए हैं, क्योंकि जब तक क्षय नहीं होता तब तक उसकी सत्ता में से नाश नहीं होता। ऐसे उदय में आकर फिर गया और नाश हुआ, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमें मालूम नहीं ना कर्म के बारे में। वो जो आता है ना कर्म के भूभृत पड़े है, किधर लिखा है भूभृत? हाँ बोल के बेतारम कर्म भूभृतम, एक कर्म के पर्वत पड़े है। अरे उदीर्णा हो या उदय हुआ, उतनी सी धूल तो पर्वत में से नीचे गिरेगी, उससे क्या होने वाला है? ये सारे कर्म वहां तक पड़े रहते। इतनी बात नहीं, 14वें के अंतिम समय तक भी अभी इतने सारे कर्म खिर गए, कितना बाकी रहे? थोड़ा सा बाकी रहेगा? नहीं, अभी तक तो असंख्यात भाग ही खिर गया, अंतिम समय में सब कुछ नष्ट होने वाला है, बहुत सारी प्रकृतियां। तो अभी हम ये 16 प्रकृतियों के नाम देखे ना, कौन से? दर्शनावरण की 3, नाम कर्म की 13। हाँ हाँ, यहां पर नहीं जाता वो क्षय होकर, इसीलिए सत्ता में पड़ा रहता है, उदय तो है ही नहीं उसका। हाँ वो तो हम 72 प्रकृतियों में गिनेंगे बाद में। तो ये हमने 16 देखी, 16 में कोई कंफ्यूजन है? 3 दर्शनावरण की और 13 नाम कर्म की। अब आगे बढ़ते देखो, तो उसकी हम के सत्ता की भी विच्छित्ति कहेंगे, जब क्षय हुआ ना तब कहेंगे सत्ता में से उसकी विच्छित्ति हुई। हाँ नहीं, सत्ता की विच्छित्ति निर्जरा नहीं, उसका पूर्ण क्षय हो जाएगा, पूर्ण क्षय हो गया। वो क्षय किस रूप से होता है वो अभी लब्धि सार का विषय, वो अभी हम यहां नहीं लेंगे, है ना? एक शिविर में कितना लेंगे, अभी इस शिविर का भी माल पूरा नहीं होने वाला है ना, ये शिविर का विषय पूरा करने के लिए और एक शिविर लेनी पड़ेगी। क्या होता है दूसरे शिविर में, पहले वाले लोग कोई आते नहीं है और कोई नए आते हैं, तो फिर दोबारा पहले से लेना पड़ता है। क्षय होने के बाद उसकी विच्छित्ति हुई, जब तक क्षय नहीं होता तो सत्ता में पड़े रहते, अभी इसके आगे सत्ता नहीं है उसको कहेंगे विच्छित्ति हुई। अभी देखो 783 पेज पर आएंगे, देखो आपका कहना है विच्छित्ति और क्षय में क्या अंतर है, क्योंकि विच्छित्ति हमने बंद की भी देखी थी, तो बंध की विच्छित्ति होती नहीं, उसके आगे उसका बंध नहीं है, वहां ना क्षय की बात था ना उदय की बात थी। जब हम उदय की विच्छित्ति कहते हैं
तब उस गुणस्थान के आगे उसका उदय नहीं है, इतनी बात देख रहे थे। परंतु सत्व था कि नहीं था? अब जब हम सत्व सत्ता की विच्छित्ति देख रहे हैं, सत्व की विच्छित्ति देख रहे हैं, तो सत्व इन्हें क्षय होकर वो सत्व का नाश हुआ है। अब आगे उसका सत्व होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आगे वो बनने वाली नहीं है। इसलिए यहां विच्छित्ति कहने से उसका क्षय होकर ही उसकी सत्ता की विच्छित्ति होती है, ये यहां बताना चाहते हैं। नहीं नहीं, विच्छित्ति ने उसके आगे उसका सत्व नहीं पाया जाएगा। विच्छित्ति ने उसका पूर्ण नाश, उसकी सत्ता यहां तक ही है, इसके आगे के भाग में या आगे के गुणस्थान में उसकी सत्ता नहीं है, उसको कहेंगे सत्व की विच्छित्ति। आपने लिखा है विच्छित्ति अर्थात किसकी सत्ता? देखो देखो कहां मिला आपको, 782 नीचे से थर्ड लाइन। तो हमने देखा था, देखो नीचे की थर्ड लाइन, 16 प्रकृतियों की अनिवृत्ति करने नौवा गुणस्थान, उसके पहले भाग में विच्छित्ति होती है। किसकी? सत्ता की, यानी सत्व की विच्छित्ति। किसकी? सत्ता की। सत्ता की विच्छित्ति पहले हमने बंध की देखी, कहीं उदय की देखी, अब यहां सत्ता की देख रहे हैं। तो क्षय होकर ही सत्ता की विच्छित्ति हो सकती है, इसलिए यहां क्षय को लिया। अभी आगे लिखा है ये प्रकृतियां, देखो एकेंद्रीय स्थावर आत्म सबका बंदर उदय पहले ही गुणस्थान में वहीं पर रुक गया था, उन उसकी सत्ता कब तक है? अभी नवे गुणस्थान तक उसकी सत्ता थी। फिर से ये प्रकृतियां, एकेंद्रीय जो स्थावर है, द्विंद्रिय आदि प्रकृतियां बनती है, कौन से गुणस्थान में बनती है? पहले ही गुणस्थान में बनती है, उसका उदय पहले ही गुणस्थान में है। तो जो सम्यक तो प्राप्त करता है, अभी हमको सम्यक तो का फायदा देखना है ना, तो जो सम्यक तो प्राप्त किया तो इनका बंध होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या इन पर्याय में उत्पन्न होगा क्या? सम्यक दृष्टि जीव इन पर्याय में उत्पन्न होगा नहीं, तो उसका उदय भी नहीं होगा, तो प्रकृतियों का क्या होगा? पड़ी रहेगी सत्ता में, कहां नष्ट हो जाएगी? अब यहां नवे में आकर नष्ट हो जाएगी। तो सम्यक दृष्टि को क्या उसका फल मिलेगा? कुछ नहीं मिल रहा, पड़ी है सत्ता में, वो जिस रूप से जा रही है उसको जा ही रही है, फिर भी सत्ता में कब तक है? नवे गुणस्थान तक। सत्ता में से नष्ट हो जाएगी तो फिर बंध नहीं होता उसका, क्षय होकर नष्ट हो जाएगी तो दोबारा बंध नहीं होगा। तो हमने ये भी देखा था उपशम श्रेणी चढ़ के उतरने वाले जीव भी कभी मिथ्यात्व में जाते हैं और ये निगोद आदि पर्याय में पाए जाते हैं, क्यों? उनकी सत्ता में ये है और नया बंध भी वहां जाके होगा, तो उस पर्याय में उत्पन्न होगी, उसका उदय भी होगा। पर सम्यक तो बना रहे तो उनको डरने की क्या बात है, भले सत्ता में पड़ी है, नरक गति पड़ी है, 3 इंच गति पड़ी है, केंद्रीय आदि जाति सब पड़े हैं वहां पर, सत्ता में रहने से कोई उसको नुकसान नहीं है। तो हाय हाय हमने कैसे पाप किए हुए, कोई चिंता की बात ही नहीं है, अभी उसको उदय में तो आने वाली नहीं है, है ना? इनकी जो विच्छित्ति शपक श्रेणी में ही हो रही है, उपशम श्रेणी में नहीं। उपशम श्रेणी में सत्ता है, 11वें गुणस्थान में भी क्यों न जाए, नरक गति की सत्ता है कि नहीं है? है। आयु नहीं कह रहे हम, आयु नहीं कह रहे, गति कह रहे। तो 11वें गुणस्थान वाले को भी नरक गति की सत्ता है, 3 इंच गति की सत्ता है, एक इंद्रिया दी जाति की सत्ता है, सबकी सत्ता है। हाँ, क्षपक श्रेणी चढ़ के क्षय करेगा तो ही सत्ता में से नष्ट हो जाएगा। और कोई है कंफ्यूजन? हाँ, लास्ट लाइन में क्या लिखा है देखो, ये प्रकृतियां नौवे गुणस्थान तक, ये नौवा गुणस्थान कहने से क्षपक श्रेणी का नौवा गुणस्थान, उपशम श्रेणी कहेंगे तो 11वें तक बनी रहेगी सत्ता, सत्ता में पड़ी हुई है थी, और इनका अब यहाँ सत्ता में से नाश होने वाला है, यहाँ इन्हें क्षपक श्रेणी में क्षय होने वाला है। तिर्यंच गति और नरक गति संबंधी प्रकृतियां है, इनका क्षय करता है, यहाँ आयु नहीं कहा, गति कहा, समझ में? क्योंकि क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले के सत्ता में तिर्यंच आयु थी ही नहीं, नरकायु तो थी ही नहीं, देवायु भी नहीं थी, तो उनका क्षय करने का सवाल नहीं है। पर गति के परमाणु थे, क्योंकि गति के तो परमाणु जो बंधे हैं वो पड़े हैं उस गति रूप से, और उस रूप से उदय तो नहीं हो रहा है, तो उसका फल भी नहीं मिलेगा जीव को। अभी ये 8 कौन सी है उसको हमको देखना है।
समय हो गया क्या? हाँ हो गया, क्योंकि क्षय का कार्य अधूरा रह गया ना हमारा, पूरा करेंगे एक घंटे के बाद, यानी एक 15 मिनट के बाद। अब यही रुकेंगे हम। बोलो 2400 भगवान जय।